जैन साथियों कैसे, उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी मस्त चलिए। साथियों मैथ में आपके स्कोर क्यों कम आ रहा है, कारण क्या है? क्योंकि मैथ पढ़ने का तरीका आपको पता नहीं, कैसे मैथ पढ़े जाते हैं। जो मेरा तरीका है, क्योंकि मैथ मेरी सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट मेरा मैथ ही है, क्योंकि मैं मैथ को सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। कोई भी एग्जाम देने जाता हूँ सबसे पहले मैं मैथ सॉल्व करता हूँ, उसके बाद रीजनिंग। ये मेरा फंडा है पेपर को सॉल्व करने का। जीके भाई सबसे बाद लास्ट में सॉल्व करता हूँ हिंदी, उसके बाद सबसे पहले मेरा मैथ मैथ टारगेट रहता है, फिर रीजनिंग, फिर हिंदी, फिर जीएस। ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जिसको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता हो, जिसमें लगता है कि मैं इस कोर्स कर सकता हूँ, तो वो सब्जेक्ट आप पहले चॉइस करिए। तो मैथ में आप गलती कहाँ करें, आपको पता नहीं कैसे पढ़ना है, क्योंकि चीज़ें आपको नहीं पता रहेंगी तब तक आपको जो है नहीं समझ में आएगा कि आपको कैसे पढ़ना है। और क्योंकि कम समय में भी ज़्यादा चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, एक स्ट्रेटजी है, एक तरीका है मैथ पढ़ने का। आज से आप मैथ को मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके से पढ़ेंगे, और आप देखिएगा कुछ ना कुछ आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है इस चीज़ से। क्योंकि मैं ये तरीका करता हूँ, जब सोचिए मैं रिवीजन करना होता है, एक एक दिन में दो दो चैप्टर रिवीजन कर देता हूँ। क्योंकि तरीका क्या है, क्योंकि आप लोग तरीके अलग तरीके से पढ़ाई करते हैं, मैं मेरा तरीका अलग है। ये तरीका अगर अपनाइएगा कुछ ना कुछ आपको देखना लाभ मिलेगा, और बहुत से लोग जिसको लाभ मिलेगा वो कमेंट में जरूर बताएगा कि मुझे हाँ इस तरीके से लाभ मिला है। मैं बताऊंगा आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथ के, क्योंकि उन्हीं से आपके जो है क्वेश्चन आते हैं, और उन्हीं से आपके क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा बनते भी हैं मैथ में। क्योंकि इसमें मुश्किल से आपके 10-12 चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन आपके ज़्यादा आते हैं, और कुछ चैप्टर हैं उनसे 1-2 क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। तो ज़्यादा उस टॉपिक को क्या है, फॉर्मूले पढ़ना है और बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। मैं बताऊंगा आपके कौन से चैप्टर आपके सबसे ज़्यादा आते हैं मैथ में। कुछ चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनते हैं। पहला चैप्टर है आपका संख्या पद्धति। इससे आपके कभी किसी भी एग्जाम में आप देख लेंगे आते हैं ज़्यादा क्वेश्चन, लेकिन UPSC में क्या है 1 से 2 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 2 भी हो सकते हैं, किसी में 3, तो इनसे ज़्यादा आता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं सरलीकरण। इन चैप्टरों को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, जो मैं बता रहा हूँ। सरलीकरण हो गया, फिर दशमलव भिन्न हो गया, उसके बाद परसेंटेज, फिर औसत। ये 4 चैप्टर हैं, इनको पढ़ लेंगे इनसे ही आपके 5-6 क्वेश्चन हो जाते हैं इन 4-5 चैप्टर से। बाकी संख्या पद्धति में आपके बहुत से चैप्टर आ जाते हैं, तो बेसिक बेसिक चैप्टर आप पढ़िएगा। लाभान्वयन हो गया, फिर उसके बाद आ जाते हैं अनुपात समानुपात, इनसे क्वेश्चन आते हैं। फिर समय कार्य हो गया, समय कार्य में आपके पाइप टंकी वाले भी क्वेश्चन 1-2 आते हैं, वो ज़्यादा नहीं, खाली करने और बंद करने, यही क्वेश्चन इसमें बनता है। मजदूरी वाले भी जरूर पढ़िएगा, क्योंकि मजदूरी वाले क्वेश्चन कभी कभी पूछता है उसमें। उसके बाद समय दूरी, समय दूरी में पढ़ लीजिएगा, चोर पुलिस वाले, और 2 ऐसे आते हैं नॉर्मल कि 5 मिनट अधिक पहुँचा, 5 मिनट जल्दी पहुँचा, तो क्या समय होगा, तो ये सब ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद इसमें आ जाएंगे SICI, चक्रवृद्धि ब्याज से सिंपल क्वेश्चन आता है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि या 3 वर्ष का, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। और सिंपल इंटरेस्ट में ये पढ़ लीजिएगा, ये इसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें, टफ भी चैप्टर नहीं, बस सिंपल चीज़ आपको पढ़नी है। इससे क्षेत्रफल हो गया, फिर उसके बाद पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है, किसी शिफ्ट में आ जाता है, किसी में नहीं आ पाए, किस्मत की बात है। अगर आ गया तो कम से कम 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन का मतलब आपके 6 नंबर फिक्स है। तो मनाइए कि पाई चार्ट क्वेश्चन आ जाए, आपके 6 नंबर फिक्स हो जाए। तो पाई चार्ट को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, पढ़ लेना है थोड़ा सा, क्योंकि सरल चैप्टर है, आपको कैलकुलेटिव चैप्टर है, तो इतने चैप्टर आपको पढ़ना है। बाकी जो आपके सिलेबस में उनसे आते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन मिलेंगे, इनसे आपके क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो इन चैप्टर को आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आप बताते हैं आपको पढ़ना कैसे है मैथ की बुक को। अब जैसे मेरे पास है RS अग्रवाल की बुक, ठीक है, इसमें क्या है आपको पढ़ना कैसे, ये देखो इसमें थ्योरी है, मैं इसी से पढ़ता हूँ। इसमें देखो सभी नियम दिए हैं कि आपको 3 के विभाज्य कैसे नियम पढ़ना है, 4 से भी सब कुछ आपको थ्योरी देना है। थ्योरी से आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें कंप्लीट करना है थ्योरी से, ठीक है। जब आप थ्योरी यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे, फार्मूले दिया, कैसे क्वेश्चन दिया है, ये देखो मेरा पढ़ने का तरीका, मैं उस पर जो लाइन अपना किया हूँ कि कैसे क्वेश्चन आपके ज़्यादा जानते हैं। अब ठीक है, अब इसने आपने प्रैक्टिस सब कुछ फार्मूले पढ़ लिए, अब आ जाना है आपको बुक में। क्योंकि आपने बुक को पढ़ लिया होगा तो मेरा पढ़ने का तरीका क्या है, पूरी लाइन में देखिए, किसी भी क्वेश्चन पे मैंने टिक नहीं किया है, यहाँ से देखिए 1 नंबर से। अब मैंने किया है 10 नंबर पे, ये थोड़ा मुझे क्वेश्चन घुमाऊ लगा था तो मैंने इस पर टिक कर दिया। अब इधर आ जाइए, इधर पूरी इसमें लाइन में मैंने किसी भी क्वेश्चन पर टिक नहीं किया, किसी भी क्वेश्चन पर टिक नहीं किया। इधर आ जाएंगे तो मैंने 50 नंबर क्वेश्चन पर टिक किया, 53 पे, 54 पे, 60, 61, फिर 64 पे, 68 पे, फिर 70 पे, इधर फिर आ जाएंगे 74 पे, फिर 86, 87। तो ये क्वेश्चन पे मैंने टिक किया। टिक क्यों किया, कारण क्या है कि मैंने एक बार इस चैप्टर को पढ़ लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है,
उसके बाद मैं जब दोबारा इसको मुझे जिसमें लगा कि ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है मुझसे एक बार में नहीं बनेगा, तो उस क्वेश्चन पे मैंने टिक कर दिया ताकि जब भी मैं अगली बार आऊँगा तो ये क्वेश्चन मुझे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो मैं टिक लगाया हूँ फर्स्ट रिविजन में, तो ये टिक वाले क्वेश्चन मैं दोबारा पढ़ूंगा जब भी इस चैप्टर को रिविजन करने आऊँगा, तो मुझे सब क्वेश्चन को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही क्वेश्चन आप लगाएंगे बार बार, अगर पूरे चैप्टर लगाएंगे तो आप फास्ट तरीके से रिवीजन नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जो है मैं 1 घंटे में जो है इस चैप्टर का पूरे अच्छे तरीके से जब दोबारा पढ़ने आऊँगा तो अच्छे से रिवीजन कर लूँगा, ये कारण है। बाकी अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है चैप्टर में कौन सा कॉन्सेप्ट है, यूट्यूब पे जाएंगे आपको बहुत सी फ्री क्लासेज होंगी, डाल देंगे आपको संख्या पद्धति में क्वेश्चन किस टाइप का, तो आपके सारे सामने सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये पढ़ने का मैं तरीका बता रहा हूँ, बाकी आपको जिस मैथ टीचर से आपको मैथ पढ़ना हो उस मैथ टीचर से आप पढ़िए, क्योंकि मुझे आपको तरीका बताना था बस, क्योंकि अगर ना समझ में आई चीज़ें, क्योंकि पढ़ने का यही तरीका है, टिक लगा लीजिए जो आपको क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा है, ताकि अगली बार जब आप पढ़ने आए हैं चैप्टर को रिवीजन करना है तो फास्ट तरीके से रिवीजन कर ले, सभी क्वेश्चन को लगाने की जरूरत ना पड़ी, कुछ क्वेश्चन लगाने से आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे उस चैप्टर के। तो ये चीज़ थी आपकी स्ट्रैटेजी पढ़ने की।